साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नागरिकता संशोधन कानून CAB को लागू करने के संबंध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हीला हवाली कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस संबंध में बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को प्रदेश में तुरंत लागू किए जाने की मांग की है और मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम बिल को प्रदेश में लागू करवाने के लिए ज्ञापन दिया। आज BJP ने जो नागरिकता संशोधन बिल आया है उसको लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए सारे लोग आए थे। केंद्र सरकार ने अभी नागरिकता संशोधन कानून पूरे भारत में लागू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार कहा था कि हम इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जिला कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसमें हमारी मांग है कि नागरिकता संशोधन कानून जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। जितने प्रताड़ित पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, प्रताड़ित लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता का दर्जा दिया जाए। उन्हें अतिशीघ्र भारत के अंतर्गत जो सुविधाएं मिल रही है वो सारी सुविधाएं मिले। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।